अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आ गई हूँ अपनी ज़मीनों पे। तो बारिश के बाद हर जगह पर पानी पानी आप देख सकते हैं। ये पानी तो हर जगह से पानी अभी निकलना शुरू हो गया है। तो बस अगर अब ज़्यादा बारिश होगी तो फिर नुकसान होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पानी जो है वो अभी जा रहा है नीचे की साइड, यानी कि सिमनाले में। तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारी कॉटन, इसमें भी तकरीबन पानी बहुत भर गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी निकल गया है अभी। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये पानी निकल रहा है अभी। तो इंशाल्लाह ये एक दो दिन में निकल जाएगा पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा मज़ीद बारिशें अगर होंगी तो फिर नुकसान भी है। और फ़िलहाल तो कॉटन भी, कपास जो है वो भी रुकी हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से वो जो भी थी हमने निकाल दी थी जो। तो अब इंशाल्लाह नई जो तैयार होगी कॉटन, वो उसको निकालेंगे और मार्केट में लाएंगे। लेकिन अभी तो मार्केट भी मेरे ख्याल से डाउन है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है परवरदिगार के करम से फ़िलहाल तो अभी सही पोजीशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ज़मीन है वो भी तकरीबन जो इतनी, यानी कि नीचे नहीं है। यहाँ से पानी का निकल वगैरह वो भी इजी हो जाता है और आसानी हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है वो आपको पता है, जो ज़मींदार लोग हैं। तो ये देखें, बिल्कुल भी फसल तैयार खड़ा है अभी तक, तो इंशाल्लाह कोई जला वाला नहीं है। थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ये हमने निकाल इनका खोल दिए हैं। ये आप देख सकते हैं निकाल इनका हो रहा है अभी। तो इंशाल्लाह 24 घंटों तक ये पानी इंशाल्लाह निकल जाएगा, अगर मज़ीद बारिश ना हुई तो। ये देखें पानी का तेज़ बहाव है, ये ज़मीनों में से निकल रहा है। हमारे यहाँ बारिश इस मौसम में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और थोड़ी पहले भी बरसात आ गई। वैसे तो होती है तकरीबन अगस्त में, अगस्त से अक्टूबर में शुरू होती है। तो अभी जुलाई से यहाँ पे बारिश स्टार्ट थी, तो बहुत ही ज़्यादा हद, यानी कि सोच से ज़्यादा आ गई थी। तो ये किसान हमारे ये खड़े हैं, कामदार वगैरह, इनों की मेहनत है। ये देखें पानी कैसे जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये मोहम्मद अर्ज है, बड़े भाई के कामदार ये। तो हमारे साथ ही ज़मीन है भाइयों की। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बेर हैं और इस तरफ कॉटन लगी हुई है। तो दोनों से पानी माशाल्लाह से निकल गया है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें पानी जा रहा है अभी, ये जाएगा सीधा सिमनाले में, सिमनाले से होके हुए फिर जाएगा ये समंदर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी पानी थोड़ा कम ही निकल रहा है, ये थोड़ी ऊपर साइड है ज़मीनों की। तो बस अल्लाह की रहमत कभी कभी ज़हमत भी बन जाती है, लेकिन ज़हमत तो नहीं कहना चाहिए, इसके पीछे भी परवरदिगार ही जानता है। वही बेहतर करने वाला इंशाल्लाह परवरदिगार के हाथों में है। लेकिन हमारी कोशिश है कि पानी सारा निकल जाए, वो तो तकरीबन निकल ही गया है पानी। तो अगर मज़ीद बारिश ना हुई तो फिर इंशाल्लाह सब सेटिंग हो जाएगी। अगर मज़ीद बारिश होती है तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी पानी निकालने में। अभी भी हल्की हल्की बरसात स्टार्ट है, तो इतनी ख़ास तो नहीं है अभी, खाली हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये देखेंगे, ये चीकू का भाग लगाया हुआ है हमने, और इसमें नीचे जो है वो कॉटन कपास की फसल। तो आगे गन्ना वगैरह भी है, लेकिन वहाँ पे पानी वगैरह इतना खड़ा नहीं है, और गन्ने को भी तकरीबन इतना पानी कि, यानी कि अगर थोड़ा बहुत, यानी कुछ दिन घंटे रह गया पानी तो उसकी खेत वो चलता नहीं है, उसको तो फ़ायदा ही है। लेकिन वहाँ पे इंशाल्लाह आपको
दिखाऊंगा अगर पानी ना निकला तो, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ से भी निकल गया है। तो जनाब ये है ज़मींदारी का हिसाब किताब, तो अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में।